हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ वन शॉट रिवीजन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ हेलो एल्केन्स। स्टीरियो केमिस्ट्री नॉट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे आएंगी। तो आपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद मेटल, कैसे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स रिएक्शन के साथ रिएक्ट कर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे इसमें से एलिमिनेशन होती है। थर्ड पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विद मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमने एक एक करके डिस्कस करनी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस ऑल इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे जो आपके MCQ आने हैं तो ये MCQ में बहुत सारा मेजर रोल प्ले करेगा। यहाँ पे बहुत सारे MCQ आपके आ सकते हैं इससे रिलेटेड। हैं सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन हो, रिएक्शन विद मेटल हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, बट सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है किस पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है किसी चीज़ को हटा के, मतलब हमने किसी एक चीज़ को हटाना है और दूसरी चीज़ को लगा देना है। तो जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव पार्ट की सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक नेगेटिव पार्ट दूसरे नेगेटिव पार्ट से सब्स्टिट्यूट होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पॉजिटिव पार्ट का सब्स्टिट्यूशन, पॉजिटिव चीज जो है वो एक जगह से, पॉजिटिव स्पीशीज या आयन जो भी चीज होगी वो एक जगह से दूसरी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन आपने CBSE में सिर्फ बीटा एलिमिनेशन पढ़नी है, तो हम सिर्फ CBSE के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी NCERT में जो मेंशन किया हुआ है ओनली अबाउट द बीटा एलिमिनेशन, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन ही बताऊंगी कि वो कैसे होती है, बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है? तो बीटा एलिमिनेशन किस में होती है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लगे हो प्लस साथ में हेलो एल्केन, मतलब एक हेलोजन लगाओ और सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, तब तो आप बीटा एलिमिनेशन कर सकते हो। डबल बॉन्ड हो गई, ट्रिपल बॉन्ड हो गई, जहाँ पे उस जगह पे आप बीटा एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। तो ये आपके जो कार्बन कार्बन होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है। सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर क्या होगी, सिंगल बॉन्ड उसमें ही होगी बस। तो करनी कैसे है, सबसे पहले आप सारे H यहाँ पे कंप्लीट करके उनको हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपको ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, नेमिंग आपको आनी चाहिए IUPAC नेम की। अब क्या करना है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप आपका लगा हुआ है, ये X इज अ फंक्शनल ग्रुप, आपको जैसे मैंने पहले बताया था फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, मेन ये दोनों। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसके वही वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये हो जाएगा आपका अल्फा। उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा आपको ढूंढने आने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा, सिर्फ इतना अल्फा बीटा आपने लगा लेने हैं। अब आगे क्या करना है, जब आपको अल्फा बीटा ढूंढने के लिए ढूंढने आ जाए, फिर आप क्या करोगे, तो अल्फा बीटा हमने ढूंढ लिए, अब क्या करोगे, बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शन आपकी होती है उसमें क्या करना होता है, आपने करनी है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल, तो रिमूवल कैसे करोगे,
ये एक्स को हटाना है, एक्स अल्फा वाले कार्बन को, जैसे यहाँ पे एक्स लगाया, ये अल्फा लगाया, ये बीटा लगाया, यहां से एक्स को हटाना है और बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, मतलब ऐसे एच एक्स, ये एच एक्स बार हो जाएगा, और ये पार्शली मिलके अपनी बॉन्ड को इधर शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बना देंगे। कैसे करना है, सेम एज इट इज लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और जो सी चीज रिमूव होगी उसको हटाएंगे। कार्बन लिखा है यहाँ पे, कार्बन उसकी तीन बॉन्ड है, फिर कार्बन विद टू बॉन्ड्स, फिर ये कार्बन यहाँ पे एच। अब ये चीज यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ये यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ये कार्बन, ये दो एच। अब ये जो रिमूव हो गया वो क्या हुआ है हमारा एच एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन होती है। तो बीटा एलिमिनेशन करने के लिए पहली कंडीशन क्या है, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप है वो वाला कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट जो कार्बन है बीटा, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है ताकि यहाँ से एच एक्स को बाहर कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आपने करनी है। अब इसमें क्या आती है, कंडीशन लगाते हैं एक, अभी आपने क्या किया सिंपल, तो अभी देखो क्या होगा। अब मैंने एक कंपाउंड लिया CH3CHCl CH2CH3, और आपको इसमें दे दिया बीटा। अभी मैंने आपको कंडीशन नहीं बताई, मतलब एरो कैसे करनी है, सिर्फ ये रूल सिखाया है कि कैसे करते हैं। अब आपको बोल दिया कि इधर से बीटा एलिमिनेशन करो, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, और इस साइड पे भी बीटा, तो ये दोनों बीटा है। तो यहाँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से बाहर करें। तो आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, मतलब सिर्फ हमने एनसीईआरटी सीबीएसई को फॉलो करना है, तो आपने सिर्फ क्या ध्यान रखना है। अब आप क्या ध्यान रखोगे, एक ट्रिक से आप इसको ध्यान रख सकते हो, दो इफ देयर आर टू बीटा, ठीक है। ये रूल क्या था, सेट जेफ रूल, इफ देयर आर टू बीटा, आपको दो बीटा दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपने कौन से बीटा से एच को बार करना है, जहां पे ये देखो कितने एच लगे हुए हैं, तीन, यहाँ पे कितने एच लगे हुए हैं, दो। तो आपने कहां से बीटा को बार करना है, जहां पे वो कम होंगे, तो यहां से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं, तो आप दोनों तरह से बार करके देखो कि कहां से होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां से एक एच को बार कर देंगे, दो हो जाएंगे, यहां से सीएल को बार कर देंगे, तो क्या बचेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री। अब दूसरी साइड पे, अब यहां से बार करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। तो ये दो बीटा जब यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगी, जब ये वाला बीटा लोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगी। अब क्वेश्चन आता है, दो प्रोडक्ट में से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ठीक है। दोनों तरह, दोनों बीटा से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड बना दी, अब कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। तो सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग बीटा एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम वेयर देयर इज अ लेस नंबर ऑफ आपने ऐसे ध्यान रखना है, दोनों तरफ पे आप देखोगे, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, मेजर। तो जब यहाँ पे आप हाइड्रोजन को हटाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगी, तो वो हो जाएगा आपका मेजर, और दूसरी साइड वाला ये वाला हो जाएगा माइनर। अब एनसीईआरटी में इसको कैसे लिखा हुआ है, अब क्या बोलते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, मतलब बीटा एलिमिनेशन जब कर रहे हो, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कैसे, ठीक है। तो आपने ट्रिक से लर्न कर लिया कि जहां पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो जहां पे कम है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कि बीटा कौन सा बड़ा है, यहाँ पे बीटा में कितने कार्बन लगे हुए हैं, दो, यहाँ पे बीटा में कितने कार्बन लगे हुए हैं, वन। तो जोन सा हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है वहां से। तो ये थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों बीटा को देखो, दोनों के हाइड्रोजन चेक करो, जहां पे कम हाइड्रोजन लगे होंगे, या तीन लगे हैं या दो लगे हैं, तो दो वाले में से हाइड्रोजन को निकाल दो, कम वाले से हाइड्रोजन को निकालो, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, दैट इज द मेजर, और जब यहाँ करोगे ये वाला माइनर। तो दोनों बनाने आने चाहिए आपको, और मेजर माइनर ये हो जाएगा।
सो दिस इज आवर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स. अब करनी कैसे है, पेपर के अंदर आ गई तो आप कैसे करके आओगे, तो किस तरह से आपको ध्यान रखना है, कब होती है बीटा एलिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है. जैसे आपको दे दिया CH3CH2CH2Cl और साथ में दे देंगे एल्कोहलिक KOH, क्या दे देंगे एल्कोहलिक KOH. तो दिस इज द कंडीशन फॉर बीटा एलिमिनेशन. पहली कंडीशन आपकी आ चुकी है. नेक्स्ट जो है वो हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में करेंगे, सॉरी एल्कोहल फिनॉल में करेंगे. तो एल्कोहलिक KOH को कैसे लिख सकते हैं, और C2H5OH और साथ में आपको दिया होगा KOH. तो ये दोनों कंडीशन जब आ जाती हैं तो आपने हमेशा बीटा एलिमिनेशन करनी है. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. करनी कैसे है, फंक्शनल ग्रुप, उसका कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा, अब तो एक ही बीटा है, क्या करना है, यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ पे डबल बोन. कैसे हो जाएगा, CH3 सेम एज इट इज का एज इट इज, CH एक H कम कर देंगे, जहां से H कम किया जहां से वहां पे डबल बॉन्ड बीच में CH2. सो दिस इज योर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. क्लियर है, कर लोगे. तो बीटा एलिमिनेशन कब होनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. दिस इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. क्लियर है. तो अभी उसके बाद नेक्स्ट हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी थी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपकी फर्स्ट एलिमिनेशन मैंने आपको बता दी. एलिमिनेशन में कौन सी होती है, बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन कौन सी उसमें लगती है, जब आपको दिया होगा एल्कोहलिक KOH, और अगर दो बीटा हो तो आपने कौन से रूल के अकॉर्डिंग करना है, सेटजेफ के अकॉर्डिंग करना है. सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे, कम हाइड्रोजन वाला, ठीक है, कम हाइड्रोजन जहां पे आपको दिखेंगे वहां से आपने बीटा एलिमिनेशन करके उसको मेजर प्रोडक्ट बना देना है. मेजर भी बनाना आना चाहिए और माइनर भी बनाना आना चाहिए. क्लियर है. तो अभी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद मेटल. ठीक है, तो आपने ना इसमें सिर्फ दो मेटल के बारे में पढ़ना है. तो जो हमारे दो मेटल हैं हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं. एक है हमारे पास सोडियम और दूसरा है हमारे पास मैग्नीशियम. ये जो मैग्नीशियम वाला है ना, इससे बहुत सारे कन्वर्जन हो सकते हैं, तो ध्यान रखना कि कैसे करना है. ठीक है, तो हम ना सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं. इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और इसका होता है 12, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282. इधर से ना एक आइडिया लग जाना चाहिए आपको कि जो सोडियम होता है ना वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है. इसकी सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगी एक. मैग्नीशियम के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, तो वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है, तो यहाँ से एक आप सिर्फ एक आइडिया लेने की ट्राई कर सकते हो कि इसकी एक बॉन्ड बन रही है, उसकी 2 बन सकती हैं. तो अब आपको रिएक्शन दे दी CH3Cl और साथ में रिएक्ट करने के लिए दे दिया Na, और ये रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. अब कई बोल देते हैं कि ड्राई ईथर क्यों डाला, वाटर क्यों नहीं डाल सकते. तो आपको मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में बता चुकी हूँ, जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो पानी के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ड्राई ईथर यूज कर लिया. अब रिएक्शन हो रही है, आपको दे दिया कंप्लीट करो रिएक्शन को. तो चलो अभी समझ लिया कि किसी को रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो क्या हो जाता है, इस रिएक्शन को जब कंप्लीट करने लगते हैं ना तो क्या करते हैं, सारे NaCl बना देंगे. Na के साथ Cl बन गया, बट ये तो अकेला हो जाएगा, CH3 तो अकेला हो गया यहाँ पे. मतलब ये आपके लर्न करने के मेथड है, आप इनको ऐसे लर्न कर सकते हो. Na के साथ Cl बना देंगे, CH3 अकेला हो जाएगा. Na के साथ इसको बनाएंगे तब Cl अकेला हो जाएगा. अब क्या करें, तो क्या करना होता है इस रिएक्शन में, जब कभी भी हेलो एल्केन्स जो होते हैं, जहां हेलोजन आ गया, एल्केन्स लगा और सोडियम, इस रिएक्शन में ना सोडियम जो होता है वो हमेशा, आपने इस रिएक्शन में डबल नंबर याद रखना है, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा. ठीक है, तो अब लिखना कैसे इस रिएक्शन को, CH3Cl Na2Na और यही ClCH3 को उल्टा करके ClCH3. किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. अब आपने क्या करना है, 2 Na हैं और आपको यहाँ पे 2 ही Cl दिख रहे हैं, तो Na2Cl2, तो 2NaCl बाहर हो जाएगा और ये CH3 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH3 CH3
और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, टू एन ए सी एल। क्लियर है, सी एस थ्री को सी एस थ्री मिल गया, एन ए सी एल के साथ हो गया। अगर हम नंबर डबल ना करते तो ये अकेला रह जाता, फ्री रेडिकल बनता या कुछ भी तो उसमें कैटायन बन जाता, तो वो तो हमने बनाना नहीं था, हमें तो रिएक्शन कंप्लीट करनी है। सो फॉर दिस रिएक्शन सोडियम का जो नंबर है, सोडियम के हमें कितने एटम्स लेने पड़े, दो। ये जो रिएक्शन थी ना, जब सोडियम यूज हो रहा था और जो हमने कितने कार्बन लिए यहाँ पे, मिथाइल कंपाउंड लिया और वो बाद में इथेन हो गया, उसका नंबर डबल हो गया, ये रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन है जहाँ पे मिथाइल क्लोराइड इथेन में चेंज हो जाता है, मिथाइल क्लोराइड इथेन में। कैसे याद रखोगे कि वुड्स रिएक्शन कब हो रही है, इसमें ना आपको ध्यान रखना है वुड्स रिएक्शन कब करते हैं, कैसे पता लगेगा। सोडियम, सबसे पहली कंडीशन तो इसकी आपको ध्यान रहे कि ये सोडियम की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और सोडियम जब कभी भी हेलोएल्केन्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हेलोएल्केन्स कितने लेने हैं आपने, हेलोएल्केन्स और सोडियम का नंबर डबल करते हैं, एटम्स डबल। उसके बाद कैसे पता लगेगा वुड्स रिएक्शन, आपको दे दिया मिथाइल क्लोराइड, क्वेश्चन आया एमसीक्यू फॉर्म में, और इधर बन रहा है इथेन, या कोई और ले लेते हैं, आपको दिया प्रोपाइल क्लोराइड और इधर दे दिया हेक्सेन। तो आपसे पूछा ये कौन सी नेम रिएक्शन है और क्या मेटल, मतलब यहां से यहां जाने के लिए कौन सी नेम रिएक्शन करोगे, तो कैसे कर सकते हो, सबसे पहले देखो कितने कार्बन है यहाँ। प्रोप का मतलब क्या होता है, तीन। यहाँ हेक्स का मतलब क्या होता है, सिक्स। और क्लोरीन वाला पार्ट यहाँ से हट गया, मतलब हेलोजन वाला पार्ट यहाँ से हट गया। तो कैसे ध्यान रखोगे, जब कभी भी वुड्स रिएक्शन होती है तब जो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, कार्बन का नंबर डबल हो जाता है प्लस हेलोजन रिमूव हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर है, साथ में हेलोजन है, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो कार्बन का नंबर डबल हो जाएगा प्लस साथ में हाइड्रोजन हेलोजन हमारा हट जाएगा, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तीन से छह कार्बन हो जाना, एक से दो हो जाना, एक से दो हो गए कार्बन और साथ में हमारा हेलोजन पार्ट हट गया, तो वो कौन सी रिएक्शन है आपकी, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई हो जाए एक मिनट के अंदर कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, वुड्स रिएक्शन। कब, जब कार्बन का नंबर डबल हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रही है और साथ में आपका हेलोजन पार्ट वहां से रिमूव हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर वुड्स रिएक्शन। अभी नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम वाली करते हैं, फिर मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको रिएक्शन दे दी, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है सीएल और साथ में दे दिया सोडियम। तो जब सोडियम के साथ हेलोजन वाली रिएक्शन होती है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने नंबर डबल करना है, तो मतलब यहाँ पे आप टू लिखोगे, यहाँ पे टू लिखोगे, यहाँ पे ड्राई एसीटोन डलेगा या ड्राई ईथर डालेंगे। अब करना कैसे है, पहले एक क्लोरीन वाला लो, फिर टू एन ए, फिर दूसरा, बस उल्टा करके उसको लिखना है, क्लोरीन इस साइड पे कर देना है, फिर ये टू एन ए सी एल बाहर हो जाएगा और ये क्या हो गया आपके पास, डाई फिनाइल बन गया। दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई और एन ए सी एल दो बार हो गए। ठीक है, फिर से क्या देखा आपने, जब हमने ये कंपाउंड लिया, इसका नंबर डबल कर देंगे, तो पहले हमारे पास क्या था, बेंजीन रिंग पे सीएल लगा था, एनए के साथ जैसे ही रिएक्ट हुआ बेंजीन रिंग का नंबर डबल हो गया और साथ में से हेलोजन हट गया, और साथ में से हेलोजन हट गया। तो ये टाइप ऑफ वुड्स रिएक्शन ही लग रही है, बट यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में सी सी कार्बन कार्बन यूज करते थे, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गई। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है आपकी, ये रिएक्शन होती है फिटिग रिएक्शन, दिस इज नोन एज फिटिग रिएक्शन, जहां पे बेंजीन रिंग का यूज करते हैं। तो कार्बन का मतलब ये रिंग का नंबर डबल हो जाना, हेलोजन का हट जाना, फिटिग रिएक्शन। ठीक है, अभी क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या था, सी एच थ्री सी एल, हमने क्या किया उसमें, दोनों नंबर टू टू टाइम्स ऐसे किया और फिर क्या कर दिया, ड्राई ईथर डाला, इसमें CH3 CH3 हो गया। ठीक है, ये वाला नंबर डबल हो गया और हेलोजन हट गया। बेंजीन रिंग में किया, उसमें क्या था, Cl टू टाइम्स थे, साथ में 2Na लिखा, फिर ड्राई ईथर डाला, ड्राई ईथर डालने पे बेंजीन रिंग का नंबर डबल हो गया और हेलोजन वहां से हट गया। ये वाली रिएक्शन थी वुड्स, ये थी फिटिक। अब दोनों को मिला के बनाएंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी
वुड्स फिटीग रिएक्शन। तो वुड्स का पहला पार्ट ले लेते हैं CH3Cl, सोडियम बीच में लिख लेते हैं 2NaCl, फिर उसके बाद आधा पार्ट फिटीग का ले लेते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, वाटर नहीं लेना यहाँ पे कभी भी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है 2NaCl बार कर देना है, 2NaCl बार हो जाएगा। तो जैसे ही 2NaCl बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ गया, इसको बोलते हैं टॉलीन, ठीक है टॉलीन। तो कब, दोनों का मिक्सचर बना के हमने क्या कर दिया, वुड्स फिटीग रिएक्शन को बना दिया। तो ये थी आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑफ सोडियम। सोडियम में हमेशा नंबर डबल करना है, हमेशा नंबर डबल हो जाता है। तो सोडियम आएगा 2Na, यहाँ पे भी 2, 2, 2, फिर करनी है रिएक्शन ड्राई इथर की प्रेजेंस में। वाटर कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि वाटर के साथ हेलो एल्केन्स हो गए, ये हो गए, कभी भी सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। वाटर अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है वाटर की बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम वाली रिएक्शन बहुत ईजी है, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2, 8, 2, दो बॉन्ड तो वो बना ही लेगा। तो CH3Cl साथ में दे दिया Mg, कंप्लीट करो, यहाँ नंबर डबल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम यहाँ पे बीच में जाके लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने मैकेनिज्म नहीं पढ़ने हैं तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हो, मैग्नीशियम की दो बॉन्ड बन सकती है, सोडियम की दो बॉन्ड नहीं बन सकती थी, तो इसलिए उसका खुद का नंबर डबल करना पड़ा था। यहाँ तो बन जाएंगी, इसकी तो पहले ही दो, तो मैग्नीशियम बस बीच में जाके लग जाएगा, CH3Mg आ गया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Cl। तो इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ट रिएजेंट, ग्रिगनार्ट रिएजेंट, दिस इज नोन एज ग्रिगनार्ट रिएजेंट। ऐसे ही बेंजीन रिंग पे भी हो सकता है, बेंजीन रिंग पे आपका लगा हुआ है Cl, साथ में दे दिया Mg, क्या करना है बस यहाँ पे बीच में जाके लगा देना, ठीक है MgCl, दिस इज ग्रिगनार्ट रिएजेंट। अब ना सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होती है ग्रिगनार्ट रिएजेंट के लिए, तो वो बात होती है जो ग्रिगनार्ट रिएजेंट होते हैं ना, दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन, इनको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखना है, ताकि ये मॉइस्चर के एक्सपोजर में मत आए, ठीक है। तो इनको ऐसे टाइट प्रूफ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हमेशा ग्रिगनार्ट रिएजेंट को स्टोर किया जाता है, ताकि ये वॉटर मॉइस्चर किसी के साथ भी क्या करे, रिएक्ट ना हो जाए, ठीक है, इसको प्रोटॉन्स ना मिले। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई दे आर स्टोर्ड इन ऑलवेज मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, तो इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना है। तो हमने ना एक एग्जांपल लिया लाइक CH3MgCl, मॉइस्चर है, वाटर होगा, तो वाटर को ऐसे लिख लोगे HOH, ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ, कैसे रिएक्ट करेगा। तो जब कोई रिएक्शन करनी होती है ना, आपने नेगेटिव पॉजिटिव के साइन लगा लो, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पीछे से नेगेटिव, हेलोजन आपको बताया ही था नेगेटिव, अगले वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक का नेगेटिव पार्ट ये वाला इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, CH3 पहले से थे, एक और बना देगा CH4, मीथेन में चेंज हो जाएगा। तो MgOH और Cl, इसको ऐसे लिख लोगे MgOH और Cl। तो क्या होता है, जैसे ही ग्रिगनार्ट रिएजेंट मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो क्या बना देते हैं एल्केन, वो क्या बना देते हैं एल्केन, क्या बना देंगे एल्केन। इसलिए क्या करते हैं, ग्रिगनार्ट रिएजेंट को पानी से बचाने के लिए उनको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, पानी के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, तो ये हमारी दूसरी रिएक्शन होगी, सोडियम के साथ हमेशा नंबर डबल कर देना जब हेलो एल्केन्स के साथ कर रहे हो, मैग्नीशियम के साथ नहीं करना, मैग्नीशियम ग्रिगनार्ट रिएजेंट बनाता है जिसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना है, सोडियम में वुड्स रिएक्शन, फिटीग रिएक्शन, वुड्स फिटीग रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। एलिमिनेशन में कौन सी करनी है, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन में कौन सा यूज आपको रूल याद रखना है, सेटजेफ रूल, कौन सा सेटजेफ रूल। तो ये हमारी दो केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
और वो आपको बोला था सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखते कैसे हैं? सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक के एन से ही आपको पता लग जाए नेगेटिव पार्ट का सब्स्टिट्यूट करना है, नेगेटिव पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। नेगेटिव पार्ट इसको लिखना कैसे है? एस एन उल्टा लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सिंपल पहले बता देती हूँ मैं कि किस तरह से करेंगे। जैसे रिएक्शन दे दी CH3Cl NaOH, तो मेन आपने किस पे फोकस करना है? ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे। नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव, बस इस नेगेटिव पार्ट को इस नेगेटिव पार्ट से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मेन है आपका, इस पे ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक पार्ट मेन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है? जब नेगेटिव पार्ट ऑर्गेनिक का नेगेटिव किसी और रिएजेंट से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये है CH3, यहाँ से आ जाएगा OH, तो Na+, और इसको भी अलग अलग ही करके लिख लेते हैं कि Cl बार हो गया, Na+ और Cl बार। अब जो यहाँ से बाहर गया ना, Cl जैसे यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। और ये जो न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे ऐड हो गया, इसको न्यूक्लियोफाइल को ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो समझ आ गया कि कैसे करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ये, एन से आप ध्यान आ जाएगा आपको, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट का सब्स्टिट्यूशन। SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बेसिक रिएक्शन है। CH3NaOH के साथ CH3Cl, नेगेटिव पॉजिटिव ऑर्गेनिक का करा, ऐसे इसका करा, उसके बाद आपको दे दी रिएक्शन कंप्लीट करो। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दी, तो नेगेटिव को नेगेटिव से हटा के, ये आपको पूछा कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो ध्यान रखना है ऑर्गेनिक पे क्या हो रहा है इसके अंदर। इसका एक नेगेटिव पार्ट दूसरे नेगेटिव पार्ट से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हट के दूसरा लग रहा है, तो क्या हट रहा है? नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल एक से दूसरा लग रहा है। ठीक है, तो ना इसमें अभी इसके मैकेनिज्म करने पड़ेंगे आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से होती है, पर ना कुछ आपको इसमें बातें ध्यान रखनी है। जो SN1 रिएक्शन है वो दो मेथड को, दो मैकेनिज्म से चलती है। एक है हमारे पास SN1, एक है हमारे पास SN2। ठीक है, एक है SN1 और एक है आपका SN2। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने SN1 को फॉलो करना है और कैसे आपने SN2 को फॉलो करना है, विद मैकेनिज्म भी कैसे होता है। तो आपको ना ध्यान रखना है कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और पूछते हैं SN1 हो रही है या SN2 हो रही है, तो आपने सिर्फ अपना, मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनिक पार्ट पे ध्यान दो। अगर आपका ऑर्गेनिक पार्ट जो है क्राउडेड है, तो आप किसको फॉलो कर रहे हो? SN1 को। और अगर वो नॉन क्राउडेड है तो आप किसको फॉलो कर रहे हो? SN2 को। मतलब क्या है, एस कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो देख रहे हो अगर उसमें बहुत भीड़ लग रही है तो वो SN1 को फॉलो करेगा, अगर वो खाली खाली लग रहा है तो वो किसको फॉलो करेगा? SN2 को। सबसे इंपॉर्टेंट आपने इसको ध्यान रख लेना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया CH3CH2Cl, एक दिया CH3CH3CH3Cl, आपने देखना है फंक्शनल ग्रुप को, यहां पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कार्बन, ये आप खोल के लिख लेते हैं CH3CHCl। ठीक है, तो आपने इन दोनों को खोल के लिख लिया। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, उसके साथ देखो और कितनी भीड़ लगी हुई है। ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये उसका कार्बन, उसके साथ देखो ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पे इतना क्राउड है, यहाँ पे ऊपर से भी खाली है, नीचे से भी खाली है। तो जोन सी रिएक्शन आपकी फंक्शनल ग्रुप को चेक करोगे, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसी को तो हमने हटा के दूसरा कुछ लगाना है। अगर ये खाली खाली लगे आपको तो ये है SN2, और अगर ये भरा भरा सा लगे तो ये किसको फॉलो करेगा? SN1। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इस बात का आपने ध्यान रखना है, SN1 जब कभी भी होती है उसके अंदर क्राउड होता है,
SN2 जब करनी है तो नॉन क्राउडेड होना चाहिए, सिंपल सी बात से इससे आप SN1 और SN2 को ढूंढ सकते हो। फंक्शनल ग्रुप जहां पे लगा हुआ है अगर उसके साथ क्राउड है SN1, अगर क्राउड नहीं है तो SN2, ठीक है। तो इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया करने के लिए और वो क्वेश्चन था आपका इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया आई, और ऐसे ही आपको कोई कंपाउंड दे दिया आई किसमें, अब देख के ही पता लग जाएगा कि आपने आई को हटाना है, आई को किसी और चीज से, इसमें एस एन टू किसमें जल्दी हो रही है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें एस एन टू किसमें जल्दी होगी, तो आप क्या बोलोगे, आपके माइंड में आ जाए एस एन टू किसमें जल्दी होती है, जिसमें भीड़ नहीं होती, किसमें ज्यादा क्राउड लग रहा है इसमें, तो एस एन टू किसमें जल्दी होगी इसमें, ठीक है। एस एन टू किसमें जल्दी होगी इसमें, तो एस एन टू मीन्स नॉन क्राउडेड और एस एन वन मीन्स क्राउडेड, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया सी एल सी एच थ्री एच 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 एच, एक इस तरह से इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी, सी एल एच 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 और एच, ये दो कंपाउंड दे दिए। एस एन वन किसमें जल्द, एस एन टू किसमें जल्दी होगी, जो उनसा नॉन क्राउडेड है, नॉन क्राउडेड मतलब भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, इधर कितने हैं दो, तो इस तरह से जो भी आ जाए बस ध्यान रखना एस एन टू में भीड़ नहीं चाहिए है, एस एन वन में भीड़ को हमें बहुत ज्यादा क्राउड होना चाहिए, जिसको हिंड्रेंस बोलते हैं, हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, ठीक। तो ध्यान रखोगे, अभी इनके मैकेनिज्म को अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि किस तरह से करना है। तो बस आपको ना एक ही चीज का ध्यान जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एस एन वन में भीड़ नहीं होनी, एस एन वन में भीड़ होनी चाहिए, क्राउड होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बन का, एस एन टू में नहीं होना चाहिए। तो होती कैसे है, तो जब कभी भी हम एस एन टू को फॉलो करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस टू का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ये बाई मॉलिक्यूलर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्राउडेड नहीं होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर बना लिया जो कि नॉन क्राउडेड सा सीएल का है, ऐसे खाली होना चाहिए पीछे से। अब हमने क्या करना है, इसको किसी और न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना है, मैंने एग्जांपल ले लिया OH, ठीक है OH। अब क्या होगा, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव, ये आपस में आमने सामने आ गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पीछे से खाली जगह दिख रही है आपको बहुत ज्यादा, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, जब आप SN1 करते हो, जब वो खाली खाली होता है, वो पीछे से बिल्कुल खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल वहां सामने से अटैक तो कर नहीं सकता क्योंकि ये रिपेल कर जाएंगे एक दूसरे को, ये न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक देगा, और जब वो बैक से अटैक देगा ऐसे बना होगा स्ट्रक्चर, खाली होगा तो पीछे से आके OH अटैक करेगा, पीछे से उसने आके अटैक करा, उसी स्टेप में क्या होगा, कार्बन की पांच बॉन्ड बन जाएंगी, ठीक है। ये कार्बन की पांच बॉन्ड बन गई, इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंपाउंड, इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है, कार्बन की ये पांच बॉन्ड, तो पांच बॉन्ड बनने की किस पे, एक यहाँ पे OH की बॉन्ड आ गई, एक Cl की बॉन्ड आ गई, मतलब दोनों इकट्ठे लग गए, इसलिए बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है क्योंकि दो बॉन्ड दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, OH और Cl पे। इसी स्टेप में इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट बन गई, इंटरमीडिएट बन गया, क्योंकि जो कि अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की पांच बॉन्ड हो गई है, अब एक बॉन्ड को तो टूटना पड़ेगा, यहाँ पे लगा हुआ है OH, अब कौन सी बॉन्ड टूटेगी वो डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, किसकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें से अब क्या होगा, ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग है, Cl बार हो जाएगा, Cl बार होने के बाद लिविंग ग्रुप बार चला गया, तो यहाँ पे बचेगा OH, H, H और ऊपर आ जाएगा H। तो अभी क्या था, ये वाले स्ट्रक्चर को देखो, पहले न्यूक्लियोफाइल इधर लगा हुआ था, अब न्यूक्लियोफाइल इधर लग रहा हुआ आपको दिख रहा है, पहले वो राइट पे था तो अब वो लेफ्ट पे हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पे ये हमारा Cl जो था वो बाहर चला गया एज अ लिविंग ग्रुप, OH ने बैक अटैक दिया, बैक अटैक देते ही क्या हुआ, सपोज कि पहले जो अम्ब्रेला थी वो इस तरह से थी, न्यूक्लियोफाइल बाहर की साइड था, अभी वो क्या हो गया इस तरह से, तो ये जस्ट लाइक कि अम्ब्रेला इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। पहले न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे था, अब वो इस साइड पे दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन,
इन्वर्जन हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन का चेंज हो जाना किस पे डिपेंड करेगा? ये पांच में से बोन टूटी है वाली, सबसे पहले बैक अटैक हुआ, बैक अटैक होते ही न्यूक्लियोफाइल ने उसी स्टेप में पांच बॉन्ड बना ली, उसके आते ही पांच अनस्टेबल हो गया, सीएल की बॉन्ड ब्रेक हो गई, टूट गया वो, OH यहीं पे लग गया, न्यूक्लियोफाइल पहले इस साइड पे था अब इस साइड पे आ गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो क्या क्या स्टेप फॉलो किए? सबसे पहले फॉलो किया, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्राउडेड नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दो बॉन्ड पे डिपेंड, मतलब इसमें OH और CL ये दोनों दो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ध्यान रख लेना, दो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, तो बाय मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, बाय मॉलिक्यूलर इस टू का मतलब है एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन बीच में अनस्टेबल कंपाउंड कार्बन की चार बॉन्ड की बजाय पांच बन गई, TS बन गया, फिर उसके बाद क्या ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल का जगह चेंज हो जाती है, इधर की बजाय इधर बन गया, तो इसमें होती है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये चार पॉइंट किसके होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये आप पढ़ लेना एनसीईआरटी से, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रीड करोगे, ओके? अब नेक्स्ट है आपका SN1 रिएक्शन। वन का मतलब है यूनिमोलिकुलर, अभी जैसा बताया कि SN1 में भीड़ होनी चाहिए, क्राउडेड होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। क्राउडेड होने का मतलब है कि पीछे से खाली नहीं होता, अब ये तो जैसे मैंने बंद कर रखा है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है CCH3 CCH3 ऊपर से इसको मैं अगर और ओपन स्ट्रक्चर बना दूं तो बैक अटैक नहीं कर सकते हैं इसमें, बैक अटैक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे से खाली ही नहीं है, बैक अटैक होगा ही नहीं, तो अब ऐसे क्राउडेड, मतलब क्राउडेड स्ट्रक्चर में क्या करें, नॉन क्राउडेड में तो SN1 को फॉलो कर लिया, SN2 को फॉलो कर लिया, अब क्राउडेड में क्या करना होता है, ये आपकी दो स्टेप में होती है टू स्टेप रिएक्शन। उसके बाद थर्ड होता है इसमें कार्बोकेटाइन, पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है। फोर्थ इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा, फिफ्थ इसमें आपने ध्यान रखना है यहाँ पे आपकी यूनिमोलिक्यूलर, वन का मतलब है यहाँ पे यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही डिपेंड होगी। तो अगर आपके पास एक ऐसा कोई भी कंपाउंड है वो बहुत ही ज्यादा हिंडर्ड है, उसमें बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तो आप क्या बोलोगे कि SN1 को फॉलो कर रहा है। SN1 में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप वन में जो कि बहुत स्लो स्टेप होता है, ठीक है, इसलिए रिवर्सिबल का साइन लगा दिया, स्लो स्टेप हो गया, ये Cl बार हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ये बाहर चला जाएगा, यहां बचेगा CH3, यहाँ पे Cl नेगेटिव बार हो गया लिविंग ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कार्बोकेटाइन बन गया। स्टेप टू में क्या होगा, अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था सपोज OH नेगेटिव, स्टेप टू में CH3 ये पॉजिटिव, अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है तो न्यूक्लियोफाइल आपका इधर से भी अटैक दे सकता है, वो इधर से भी दे सकता है, तो OH के पास दो चांस हैं, चाहे वो इधर से बनाए, चाहे इधर से बनाए, चाहे मिक्सचर बने, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, मतलब CH3 OH इधर से भी आ सकता है, Cl तो इधर लगा था, OH इधर भी आ गया और वो दूसरी साइड पे भी जा सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि दो तरह के प्रोडक्ट दे सकता है रेसिमिक मिक्सचर। किस पे डिपेंड किया, जब तक Cl बाहर नहीं होगा रिएक्शन तो आगे बढ़ेगी ही नहीं, Cl का बाहर होना जरूरी है, तो ओनली डिपेंड्स ऑन दिस न्यूक्लियो ऑफ दिस लिविंग ग्रुप, इसलिए सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है। उसमें क्या था जो आपने पहले पढ़ा, दो बॉन्ड पे डिपेंड हो रहा था, तो यू बाई मॉलिक्यूलर, यहाँ पे क्या है सिर्फ Cl पे डिपेंड करेगा, यूनिमोलिक्यूलर, दो स्टेप में होती है टू स्टेप रिएक्शन, क्राउडेड होना चाहिए, रेसिमिक मिक्सचर, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है? तो आपने इस तरह से इनको ध्यान रखना है, SN1 crowded, SN2 non-crowded, क्लियर है? अब इसके बाद ना इसमें क्या हो जाता है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड तो मैंने बना दी, तब तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आइदर SN1 और SN2, अगर आपको ये कम ऐसे दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे दे दिया ऐसे CH Cl,
ठीक है, और एक सिंपल दे दिया CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 Cl। अब पूछते हैं SN1 फास्ट किस में होएगी, मतलब SN की कोई भी रिएक्शन आइदर अ 1 और अ 2, मतलब वो आपको पता है कि क्राउडेड में SN1 होती है और नॉन क्राउडेड हो तो SN2। सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच वन इन आउट ऑफ दीज टू विच वन विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टेस्ट। तो आपने क्या देखना है, जब कभी भी कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाता है ना, ये कार्बन डबल बॉन्डेड हो चुका है, इस टाइम पे रिएक्शन को इतनी जल्दी प्रोसीड कराना मुश्किल है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या करेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी डबल बॉन्ड को तोड़ने पे एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड के सीएल को तोड़ने में। ठीक है, तो जब कभी भी वहां पे अनसेचुरेशन बढ़ जाती है, अनसेचुरेशन बढ़ जाए या वहां पे रेजोनेंस बढ़ जाए, ठीक है, रेजोनेंस आ जाए तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, वो टाइटली पैक्ड होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो जाती है वो आपकी क्या हो जाएगी, स्लो। ठीक है, अनसेचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बनेगी तो आपकी SN1 रिएक्शन क्या होती रहेगी, स्लो, या रेजोनेंस बढ़ेगा, कॉन्जुगेशन होगी, तब भी आपकी SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। तो इसी वजह से आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आपको क्वेश्चन दे CH3Cl, दूसरा दे दिया CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, आपको पता है बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, रेजोनेंस आपको यहाँ पे शो हो रही है, रेजोनेंस में कार्बन कार्बन, अब डबल बॉन्ड वाले कम, अभी मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड वाले या रेजोनेंस या अनसेचुरेशन में SN1 स्लो हो जाती है या इसके चांस होने के बहुत कम है, तो आपने ध्यान रखना है किसमें जल्दी फास्ट किसमें होगी, इसमें डबल बॉन्ड में नहीं होती है। ठीक है, हाईली अन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में या फिर अनरिएक्टिव होती हैं। अब रीजन क्या है इसके कि ये स्लो या फिर इनको हम अनरिएक्टिव क्यों बोलते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ध्यान रखना है कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। फिर एक s करेक्टर की टेबल बनती है, हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3, s करेक्टर लिखते हैं s और p, अभी दोनों 50-50% है, 50-50%। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 33.3%, 66.7%, फिर 25%, 75%, ये मैंने इनके एस करेक्टर लिख दिए। अब ना आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, और वो क्या होता है आपका, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, तो S और P करेक्टर, SP, SP2 और SP3 ऐसे 50%, 33.3, 25%, 66.7 और 75%, ये मैंने S और P के करेक्टर लिख दिए। अब आपने क्या ध्यान रखना है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, मोर S करेक्टर, जिसका S करेक्टर ज्यादा, आपको पता लग रहा है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखेगी, मोर S करेक्टर, मोर इलेक्ट्राइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, उतना टाइटली बाउंड होगा जितना एस करेक्टर उतना टाइटली बाउंड है, मोर अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन वर्ड आ जाए तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जितना एस करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखनी है, जितना एस करेक्टर उतना टाइटली बाउंड,
उतनी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, उसकी उतनी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होती है, वो छोटा है, साइज में छोटा हो जाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। मोर एस करेक्टर, किसका एस करेक्टर ज्यादा है, एसपी मतलब जहां ट्रिपल बॉन्ड, मोर एस करेक्टर डबल बॉन्ड, तो छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है, डबल बॉन्ड की, सिंगल वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। मोर अट्रैक्शन किसकी है, सबसे ज्यादा एस करेक्टर जिसमें है, ठीक है। तो मोर एस का जितना ज्यादा एस करेक्टर बढ़ता रहता है उतनी बॉन्ड लेंथ उसकी छोटी होती रहती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और छोटी बॉन्ड को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होती है उसको तोड़ना भी मुश्किल है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए, जितना ज्यादा एस करेक्टर बढ़ता है उतना वो टाइटली पैक्ड हो जाता है, और अगर वो टाइटली पैक्ड हो रहा है उसको तोड़ना मुश्किल है, उसको तोड़ना मुश्किल है। हमने बस यही पढ़ना है कि किसको तोड़ना मुश्किल है, जहां डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, या फिर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको दे दिया सबसे पहले कि CH3Cl, फिर दूसरा दे दिया आपको बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है Cl, किसको तोड़ना मुश्किल है। आपको क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्डेड है sp3, या कार्बन की डबल बॉन्ड है sp2, मोर एस करेक्टर किसमें है, इसमें, जिसमें मोर एस करेक्टर है उसको तोड़ना मुश्किल है। तो ये वाला Cl इतनी जल्दी बाहर नहीं जाने वाला जितना ये चला जाएगा, और अगर Cl बाहर चला गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो किसमें फास्ट होगी, जहां पे आपका एस करेक्टर कम होगा, जितना एस करेक्टर बढ़ता रहता है न्यूक्लियोफाइल उतना टाइम लेगा बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो मोर एस करेक्टर होने की वजह से बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना मुश्किल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना मुश्किल है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अभी एक बात ये होगी, दूसरी आपने रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पढ़ रखी है। रेजोनेंस जो होते हैं इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां से ये डबल बॉन्ड कैरी करेगा तो आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर Cl आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, यहां से हटाएंगे तो इस तरह से रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे, चलो एक बार हम बना ही लेते हैं पूरा, फिर इससे एक और क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा कि डबल बॉन्ड जब कभी भी ये Cl दिया, यहां से यहाँ डबल बॉन्ड आएगी, यहां से यहाँ पे, आई होप ये आप सबको पता होंगे कि किस तरह से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये ऐसे इधर से शिफ्टिंग होती रहेगी इनकी, सॉरी ये यहाँ पे बन जाएगी बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पे, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले मैं बना नहीं रही थी, फिर इसलिए बनाया क्योंकि यहां से भी एक कंक्लूजन निकालेंगे और उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या किस लिए ये जरूरी था बनाना, तो ये हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना लिया। अब आपने ध्यान रखना है जब मैं आपको आगे बताऊं कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो आपने ध्यान दिया ये जो नेगेटिव चार्ज आया ये बेंजीन रिंग का एक स्ट्रक्चर है। जब हमने बेंजीन रिंग बनाई तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये ऊपर Cl लगा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर आए और इधर गए, मतलब इस जगह पे नहीं आए, ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। OMP में OP के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, M के ऊपर नहीं आए, ठीक है। तो अब ना जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, पीछे मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा एस करेक्टर बढ़ता है उतना बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ये बात समझ आ गई। तो SnCl यहाँ जल्दी टूटेगा या नहीं टूटेगा, मतलब Sn फास्ट यहाँ हो जाएगी या नहीं होगी, ड्यू टू देयर हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड कौन सी छोटी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा एस करेक्टर है, मतलब आपको क्वेश्चन दे दें बना के, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था CH3Cl बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा हुआ है, कौन सी बॉन्ड छोटी है, कार्बन सी ये वाली बॉन्ड छोटी है या ये वाली छोटी है, क्या चेक करना है, मोर एस करेक्टर, मोर टाइटली बाउंड, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। तो आप एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन करके ट्रिपल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, डबल बॉन्ड की थोड़ी बड़ी हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड वाले की तो सबसे बड़ी है।
जितना ज्यादा एस करेक्टर बढ़ता है उतना उसको तोड़ना मुश्किल है क्योंकि उसकी बॉन्ड छोटी हो जाती है। तीसरी बात, जब हम इसमें बेंजीन रिंग में क्या देखते हैं, इसके अंदर रेजोनेंस आ रही है। रेजोनेंस आने की वजह से कार्बन वाली खुद की बॉन्ड, ये जो क्लोरीन वाला है ना, ये खुद ही थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्डेड हो रहा है। यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल हुआ, डबल हुआ, डबल हुआ, फिर सिंगल हो गया। पार्शली डबल बॉन्डेड है क्लोरीन हमारा, और क्लोरीन अगर डबल बॉन्डेड है तो इसको तो तोड़ना मुश्किल हो गया। अब तो खुद का जो हमारा क्लोरीन है डबल बॉन्डेड है, तो पार्शल डबल बॉन्ड होने की वजह से, पार्शली डबल बॉन्ड होने की वजह से जो आपको ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड जब कभी भी आ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी भी नहीं होगी। वो कब होती है? जब सिंगल बॉन्डेड होते हैं होगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो क्या क्या टाइम लगता है वो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जब कभी भी डबल बॉन्डेड है ना, जब आपने देख लिया CH3Cl लिखा है, आराम से न्यूक्लियोफाइल हट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो डबल बॉन्डेड है, बेंजीन रिंग पे है, तो आपको लगेगा कि अगर सिंपल रिएक्शन हो रही है ये नहीं हटने वाला, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज है, कैसे करें? तो कैसे करें, टेम्परेचर प्रेशर दे दो, टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ेगा। पर फिर क्वेश्चन आ जाता है, टेम्परेचर प्रेशर लगाएंगे तो ये तुम्हारा कंपाउंड खराब हो सकता है। तो टेम्परेचर प्रेशर लगाते ही भी सीएल हट सकता है, नॉर्मली नहीं हटेगा, टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ताकि सीएल बाहर हो जाए। फिर अगली बात आ गई, इतना टेम्परेचर प्रेशर नहीं दे सकते क्योंकि फिर हमारा कंपाउंड खराब हो जाएगा। तो अब क्या आता है, आपने ना सबसे पहले इसको, मैं जो आपको पहले बताना है उससे पहले एक बता दूं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो हमारे को क्या कर देते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्काइल ग्रुप लाइक CH3C2H5। आपने सिर्फ CH3 को अभी ध्यान रखना है, CBSE में यही पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, अब उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेंगे लाइक NO2CN, ठीक है। तो इसमें आपने NO2 को ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर जाएंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ये रिलीजिंग ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये क्या कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, विड्रॉ करेगा। तो अभी आपने देखा, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर जब बन रहा था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके शिफ्ट हुए। जैसे ही वो यहाँ पे आके शिफ्ट हुए, ये देखो इधर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे आके शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे, फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर जितने वो यहाँ यहाँ पे जाते रहेंगे, उतना ऊपर क्लोरीन डबल बॉन्ड रहेगी, और आपको पता है डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो एक ही काम हो सकता है, इन इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रोक दो, इनको यहीं पे रोक दो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये यहीं पे अगर कोई ले जाए अपने पास, तो आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, ठीक है। आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो, मतलब आपने ऐसे ध्यान रखना है, अगर हम यहीं से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा दें, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आए उनको किसी को दे दें, तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्शली डबल बॉन्ड आना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आ रही है फिर और प्रोसीड नहीं होगी, यहाँ आएंगे फिर और प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, ये जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, या यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, ये किसी को दे देते हैं, ताकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हो रहा है वो थोड़ा सा क्या हो जाए उसमें, मतलब आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जो मैंने ये डॉ ये बनाया, ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दो, इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाएंगे तो रेजोनेट, ये पार्शियल डबल बॉन्ड जो हो रही है इसमें डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन, मतलब आप, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये आप लर्न कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो, ये इलेक्ट्रॉन किसी को विड्रॉ करा दो, किसी को दो, आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाएगी रिएक्शन, ये एरो आगे जा ही नहीं पाएगा, ऐसे लर्न कर सकते हो आप, ये एरो आगे जा ही नहीं पाएगा। तो किसको दें, किसको देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देने पड़ेंगे। तो अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर इतना नहीं लगाना है ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रोको, ऐसे ध्यान रखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रोको, कैसे रोके, टेम्परेचर प्रेशर इतना लगाने से कैसे रोके, यहाँ पे लगा दो NO2, ठीक है, NO2 लगा देंगे, टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा कम भी लगा दो तब भी Cl हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आगे प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो तो NO2 ले गया अपने साथ,
ठीक है, NO2 ने विड्रॉ कर लिए, आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोसीड नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ आएगा नहीं। तो ये आपको एक मेथड है लर्न करने के लिए कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोसीड मत कराना, मतलब हम लर्न कर सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते रहेंगे उतनी रिएक्शन हमारी सीएल को, मतलब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर सीएल लगा हुआ है तो रिएक्शन होगी ही नहीं। फिर कब होगी, जब हम उस पर क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर देंगे, टेम्परेचर प्रेशर दो रिएक्शन प्रोसीड होनी स्टार्ट होगी। वो बोल रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर इतना नहीं देना, तो क्या करो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। कहाँ लगाने हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। फिर क्वेश्चन पूछ देते हैं चलो लगा दिए, मेटा पे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं आए, वो इलेक्ट्रॉन NO2 इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से जब मेटा पे आए ही नहीं है, तो इसलिए उसको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, ओनली ऑर्थो एंड पैरा, नॉट ऑन दी मेटा, बिकॉज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा पोजिशन, वहां पे आ ही नहीं रहे इलेक्ट्रॉन तो NO2 लेगा कहाँ से, उसको कहाँ से मिलेंगे, सिर्फ ऑर्थो से या पैरा से। जैसे ही वो मिलेंगे फिर क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन लगाएंगे ये एला एरो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ये आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रिक की फॉर्म में लर्न कर लेना कि वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, फिर हम सीएल को आराम से हटा पाएंगे। तो ये सारा जो ये है सिर्फ सीएल को हटाने का है, मतलब हैलोजन को हटाने का है, डबल बॉन्ड की वजह से वो हिल नहीं पा रहा, हिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस है, हटाने के लिए टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ेगा, फिर टेम्परेचर प्रेशर नहीं देना तो क्या करें, इतना नहीं देना तो क्या करेंगे, रेजोनेंस जब बनाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी और को देंगे फिर तो रेजोनेंस बन ही नहीं रही, फिर तो फटाफट से हो जाएगी। तो हम क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, किसको दे, विड्रॉइंग ग्रुप को, विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, NO2। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते रहोगे उतनी रिएक्शन प्रोसीड और जल्दी होती रहेगी। तो कौन सा और कहाँ नहीं लगाने, ऑर्थो पे पैरा पे लगाने हैं, मेटा पे नहीं लगाने, क्योंकि रेजोनेंस में यहाँ पे लगते ही नहीं, आते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो लगाए दे विड्रो जब वो देगा ही नहीं, रेजोनेंस ने दिए ही नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसने दिए ही यहाँ पे हैं, तो यहाँ कैसे लगा लोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और भी अभी पार्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ लेंगे और स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत, क्या क्या पढ़ा, रिएक्शन विद मेटल, एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एलिमिनेशन पढ़ी थी, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन जब कभी भी आपने करनी है तो आपने फंक्शनल ग्रुप के ऊपर लगाना है अल्फा, नेक्स्ट बीटा, दोनों से बीटा वाले से हाइड्रोजन हटाना है, फिर आपको लगे कि दो बीटा, इधर भी बीटा इधर भी बीटा है, तो सेटजेव को ध्यान रखना, सेटजेव ने क्या बोला था कि जहां पे कम हाइड्रोजन लग रहे हैं ना वो वाला मेजर है, बनेंगे दोनों लेकिन जो मेजर कौन सा है वो बताना है। फिर हमने पढ़ी यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल, दो मेटल पढ़े, रिएक्शन विद मेटल में सोडियम, सोडियम एक बॉन्ड बनाता है इसलिए उसको बेचारे का खुद का नंबर डबल करना पड़ रहा है, मैग्नीशियम ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में खुद से ही रिएक्शन को प्रोसीड करा दिया, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक प्रॉब्लम थी, वो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता था। फिर आई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 बोलते हैं, जिस SN बोलते हैं दो थी, SN1 या SN2। अब ये क्या है, हमारे पास कंपाउंड एक तरह के नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिस कंपाउंड में भीड़ है वो SN1 को फॉलो करेगा, जिसमें भीड़ नहीं है वो SN1 को फॉलो कर लेगा, सॉरी जिसमें भीड़ है वो SN1, जिसमें भीड़ नहीं है SN2। SN2 खाली होता है तो पीछे से अटैक करके इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है, सिंगल स्टेप में आराम से रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। SN2 में भीड़ होने की वजह से पहले उसको खुद को खाली करना पड़ता है, कार्बोकेटायन बनाता है, फिर दो तरह के प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर वो बना सकता है। फिर अब बात आती है अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो रिएक्शन होगी, तो वो नहीं होगी, रेजोनेंस मिल सकती है, रेजोनेंस मिलने की वजह से वो sp2 करेक्टर ले रहा है तो वो डबल बॉन्डेड हो जाएगा, डबल बॉन्ड होने की वजह से उसको तोड़ना मुश्किल है, टाइटली पैक्ड हो जाता है, कैसे तोड़े, टेम्परेचर लगा दो, प्रेशर लगा दो। फिर कोई बोले टेम्परेचर प्रेशर नहीं लगाना है तो क्या करें, तो बोलोगे वो जो रेजोनेंस की वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन, इनको रोको। ठीक है, आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि दूसरा काम यही है, इनको यहीं रोक दो। कैसे रोकेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आए इनको रोको, कैसे रोकोगे, इनको किसी को दे दो, किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले जाएगा इनको, रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस आएगी, ये लर्न करने का मेथड है, इलेक्ट्रॉन में डिस्टर्बेंस आ गई, जब उसमें डिस्टर्बेंस आ गई यहीं से वो विड्रॉ करके ले गया, आगे प्रोसीड नहीं हुआ तो
तो फिर भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो बाय अप्लाइंग बाय एडिंग एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कहाँ कहाँ ऐड करने हैं? ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे नहीं। क्यों नहीं करने? क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं है। यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, या यहाँ आते हैं, यहाँ नहीं आ रहे। ठीक है, बना के देख लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।